अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली कंपनी एंड मार्केट मार्केट स्ट्रेटजी है। कंपनी एंड मार्केट स्ट्रेटजी। अब कंपनी और मार्केट स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम देखते हैं बेसिकली मार्केटिंग में, हमने पीछे देख लिए हैं। यहाँ इसमें हम पढ़ना ये पढ़ेंगे, ये ओवरऑल टारगेट ये होगा कि पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर इंगेजमेंट वैल्यू एंड रिलेशनशिप। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स ये होता है बेसिकली, आपको पता है 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ये बेसिकली पता होना चाहिए प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, क्वालिटी, पैकेजिंग, डिज़ाइन, ब्रांड, वैरायटी, सब कुछ इसमें आता है। प्राइस में रिटेल प्राइस, पेमेंट प्लान्स, डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रमोशंस के अंदर एड्स, सेमिनार्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सब चीज़ें पता हों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट मतलब 4 P's तो आप जगह पर पढ़ेंगे ना मार्केटिंग, और आपको 4 P's ना आते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। 4 A's भी देखते हैं हम आगे, इसके साथ ही आते हैं। तो सिंपल प्लेस ये आएगा, रिटेल लोकेशन जहाँ पे आप चीज़ बेच रहे हो, कवरेज, चैनल, लोकेशन, ये सारी चीज़ें। तो इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सब इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट हमने पीछे देख लिया था। ब्रांड इक्विटी क्या होती है कस्टमर की, कि कितना कस्टमर आपसे चीज़ें खरीद रहा है, उसकी ओवरऑल सेल आपकी पूरी कंपनी के शेयर के अंदर एक कस्टमर की शेयर कितना है, इसको ब्रांड उसकी इक्विटी बोलते हैं, कस्टमर्स इक्विटी बोलते हैं, कस्टमर्स इक्विटी। ठीक है, इसी तरीके से अब मेन टॉपिक जो है ना इसका ये है, इसका मतलब इस ओवरऑल ये है कंपनीज वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनीज करती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। उसके हवाले से मार्केटिंग की चेंजिंग होने की अपॉर्चुनिटीज़, जो मार्केटिंग चेंज हो रही है ना मार्केट, उसके हवाले से अपनी गोल्स की कैपेबिलिटीज़ के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करना इन ऑर्डर टू टैकल दी चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक फिट के ये जो टर्म है ना, इसका मतलब ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की जो कैपेबिलिटीज़ है ना, रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटीज के साथ मैच किया जाए, ये स्ट्रेटेजिक फिट आता है। अब सिंपल इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ना कुछ प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, स्टेप्स आते हैं 3-4। होता है ये कि डिफाइन करना होता है आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का मिशन। ठीक है, कंपनीज मिशन आप डिफाइन करते हैं, मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं उसे। उसके बाद उसका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप देखते हैं। फिर उसका पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो डेवलप किया जाता है, बिजनेस पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है। प्लानिंग, मार्केटिंग एंड फंक्शन स्ट्रेटजीज उसके बाद लास्ट में आती है। अब हम देखते हैं ओवरऑल इसमें है क्या। ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर हमने देखी है कि हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है कंपनी को। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले उसमें मिशन स्टेटमेंट होता है। मिशन स्टेटमेंट इस ओवरऑल कुछ भी नहीं होता, नथिंग, बस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है ना, वो इसके अंदर आता है कि उसने क्या अकम्प्लिश क्या करना है। तो कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे टेस्ला का देख लें, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल एनर्जी। टेड का बहुत प्यारा है, मुझे ये ज़बरदस्त लगता है कि स्प्रेड आइडिया। सिंपल छोटा टर्म है लेकिन बहुत ज़बरदस्त उनका मिशन स्टेटमेंट है। इस तरीके से ये है GSK का हो गया, टू हेल्प पीपल डू मोर, फील बेटर एंड लिव लॉन्गर। तो ये सारे मैकडॉनल्ड का, टू मेक डिलीशियस फील गुड मोमेंट्स इजी फॉर द एवरीवन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आ जाता है आपको दूसरा स्टेप, ये होता है कि सेलिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ऑब्जेक्टिव क्या सेट करने होते हैं कि जो आप प्लान करते हैं अचीव करने के लिए। गोल क्या होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले आपको क्या करना है, एक मिशन सेट करना होता है पर्पस, फिर एक गोल बनाना होता है जिसके लिए आप परसू करते हो। उसके बाद अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, बिजनेस का पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना होता है। पोर्टफोलियो होता क्या है, कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स डेट मेक अप दी बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस का जो कलेक्शन है ना और प्रोडक्ट्स का कलेक्शन, वो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होता है। सब कुछ जो आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। बिजनेस का ना पोर्टफोलियो डेवलप करने के 2 चीज़ें, 2 स्टेप्स आते हैं उसके अंदर। के सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है उसकी करंट बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग एंड डिटरमाइन विच बिजनेस शुड रिसीव मोर और लेस इन, किस में अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, किसके अंदर इन्वेस्ट कम करना है। अब इसी टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे जो कि अक्सर पूछा जाता है, BCG मैट्रिक्स। तो ओवरऑल BCG मैट्रिक्स आपको समझने की जरूरत है कि होता क्या है बेसिकली, ये तो बताओ। BCG मैट्रिक्स या ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स सबको पता होता है भाई, ये BCG मैट्रिक्स होता है फलां फलां, भाई होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है। ओवरऑल इसलिए यूज़ होता है कि आपको पता कर सकें किस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस जगह पे नहीं करनी है अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। ये वाला इसका एवेल्यूएशन, इसका बेसिकली टारगेट ये होता है। दूसरे नंबर पे आपको बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे चेक करते हैं, इट मस्ट शेप द फ्यूचर पोर्टफोलियो बाय डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउन साइजिंग। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको ग्रोथ और डाउन साइजिंग की स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होता है। इसके लिए फिर हम आगे मार्केट पेनिट्रेशन वाला पूरा मार्केटिंग का ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप डायरेक्ट ग्रोथ मॉडल पढ़ लें वो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको पहले पिक्चर समझ आनी चाहिए, उसके बाद पता हो कि BCG मैट्रिक्स होता क्या है और वो मार्केट पेनिट्रेशन वाला मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, हमने समझ लिया। तीसरा स्टेप होता है बिजनेस पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होती है। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के अंदर एक टर्म आती है जो कि आपको पता होना चाहिए, टर्मनोलॉजीज इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको पता तो हो कि होता क्या है। टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात, अब हर कोर्स का कुछ ना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सिंपल क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस कैन बी अ कंपनीज डिवीजन। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन,
विद अ डिवीजन एंड समथिंग सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड, ओवरऑल जो उसका पूरा कंपनी का जो जो मेकअप, जो कंपनी जिस बुनियाद पे खड़ी होती है ना, जो सारे बिजनेस जो उसका वो चल रहे होते हैं, उस सारों को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स कहते हैं। उसके उसका डिवीजन, उसका प्रोडक्ट लाइन, उसकी सप्लाई चेन, उसका जो भी वो कुछ बेच रहा है ब्रांड में। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। मैंने बताया, अब कहानी यही है ना कि जब आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे तो ही पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं ना कि किस जगह पे आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए एक टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर जगह पे बहुत, हर मार्केटिंग का ओवरऑल जो भी फील्ड से रिलेटेड है उसको इस बारे में पता होगा, बीसीजी मैट्रिक्स होता है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उसने ये, उसके नाम पे है ये, बल्कि बेसिकली मैट्रिक्स है। इससे होता ये है कि आप क्या करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, मेथड को प्लान करते हैं कि आपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट किसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है और किसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ये एक पूरा मॉडल है जिसको आपने देखा है। एक ग्राफ की एक साइड पे होता है मार्केटिंग, मार्केट ग्रोथ शेयर होती है, ठीक है, दूसरी साइड पे उसकी रिलेटिव मार्केट शेयर होता है कि भाई ग्रोथ कितनी है उस चीज़, उस प्रोडक्ट की, उस एसबीयू की, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की, या उसका शेयर कितना है मार्केट के अंदर, कितने हिसाब से वो, किस हिसाब से बिकती है और कितना शेयर है उसका। तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है, स्टार आता है, डॉग्स आता है, और कैश कॉस आता है। आगे इसकी डिटेल लिखी है, मैं आपको इसी मैट्रिक्स के ऊपर ही समझा देता हूँ। ओवरऑल यहाँ समझने, क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है क्वेश्चन मार्क। आपको नहीं पता होता कि भाई वो है क्या, वो उसका तो ग्रोथ तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसका शेयर बहुत कम होता है। अब या तो आइदर उसको आप बिल्कुल ग्रोथ कम की तरफ ले जाओ, डॉग्स की तरफ ले जाओ, या तो आप उसको स्टार बना दो, ठीक है। तो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है क्वेश्चन मार्क, जिसका रिलेटिव ग्रोथ शेयर तो, ग्रोथ रेट तो ज़्यादा होता है लेकिन उसका मार्केट का शेयर कम होता है। हमें जो कंपनीज होती है ना, ऑन दी कंपनीज परस्पेक्टिव आपको क्या करना होता है, इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी रखनी होती है क्वेश्चन मार्क के लिए, इन ऑर्डर टू शिफ्ट इट फ्रॉम क्वेश्चन मार्क टू स्टार और डॉग्स। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो ये डॉग्स में चला जाता है। मतलब डॉग्स क्या होते हैं वो देखते हैं ना पहले। डॉग्स क्या होता है कि इसमें ना उनका कोई ग्रोथ शेयर होता है, ना उनकी ग्रोथ बढ़ी होती है, ना उनका कोई मार्केट में शेयर होता है, बिल्कुल फजूल चीज़ होती है। आपकी कंपनी इसको डाउन साइज करती है, वो आगे हम देखेंगे डाउन साइज किस किस प्लान, किस स्ट्रेटजी, किस टूल के थ्रू वो डाउन साइजिंग का प्लान होता है। अब यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का ये मेथड है, आगे डिसीजन लेने का एक और मेथड है। अच्छा, कैश कॉज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी इसके लिए फेवरेट होती है, कैश कॉज और स्टार उससे भी फेवरेट होता है। कैश कॉज ये होती है कि जो सस्टेनेबल जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो सस्टेन करते हैं, जो कि ओवरऑल बिकते ही बिकते हैं, वो मार्केट का खास शेयर रखते हैं, ठीक है, और उनका ग्रोथ शेयर जो होता है ना, ग्रोथ वो रेट कम हुआ होता है लेकिन वो खास शेयर ज़रूर रखते होते हैं। और इसी तरीके से स्टार है, स्टार ग्रो भी कर रहा होता है, ठीक है, और शेयर भी उनका ज़्यादा होता है, लेकिन स्टार का ये होता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगते हैं। तो ओवरऑल आपको इसके अंदर एनालिसिस ये देना होता है कि भाई डॉग्स में के भी अगर इन्वेस्ट किया जाए ना तो वो भी स्टार बन सकते हैं, लेकिन इट विल कॉस्ट यू ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कैश कॉस्ट का ये होता है कि आपको उसको सस्टेनेबल रखना होता है। स्टार्स को ये होता है क्वेश्चन मार्क के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको स्टार भी बना सकते हैं। ये ओवरऑल इसकी डिटेल लिखी है नीचे, इसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। स्टार के एनालिसिस इवेंचुअली देयर ग्रोथ डाउन की तरफ चलेगा तो कैश क्रॉप बन जाएगी। स्टार्स जब कैश स्टार्स की जब ग्रोथ कम होती है ना तो वो आपके कैश काउस बन जाते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली सस्टेन करते हैं खास शेयर को लेकिन उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। कैश काउस हमने पढ़ लिया, ग्रोथ शेयर इनका ज़्यादा होता है, एसबीयू सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं, इसके ऊपर कंपनी लेके चलती है, कंपनी का कॉस्ट असल कैश यहीं से निकलता है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने पढ़ लिया क्या है, उसके हाइट ग्रोथ शेयर तो लेकिन वो किसका ज़्यादा शेयर नहीं होता मार्केट में, हमें उसे कहीं डिसाइड करना होता है या उसका रिलेटिव शेयर भी कम कर दिया जाए, ग्रो रिलेटिव शेयर तो कम होता है, ग्रोथ भी कम कर दी जाए। उनके डॉग्स ओवरऑल हमने पढ़ लिया कि बिल्कुल फजूल चीज़ है, आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है बेसिकली मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड, वो दूसरा मेथड है कि आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि अपनी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और डाउन साइजिंग के डिसीजंस किस तरह लेते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक है, हम आगे देखते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट था मार्केटिंग के हवाले से, जो हमने पढ़ा किसके अंदर आता है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर। तीन मेथड हमने पढ़ लिए, चौथा फिर इसके बाद बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़ लेंगे।